प्यारे बच्चों, जलगांव जिला के तालीमी तदरीसी प्रोग्राम ओपा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे रियाजी का सबक दाही की छलांग। इसके पहले हम समझ चुके हैं कि दाही किसे कहते हैं, यानी 10 अलहदा अलहदा चीजों को एकजा किया जाए तो वो एक दाही कहलाएगा। यहाँ आप तस्वीर में हन देख रहे, वो क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है। क्या लगा रहा है, छलांग। तो अभी यहाँ पर माचिस की तीलियों का एक गट्ठा है, तो यहाँ से उसने अगली छलांग लगाया, यानी पूरे 10 कदम की अगली छलांग लगाया। और ये हर छलांग उसकी मखसूस होंगी, मुतय्यन होंगी, यानी अभी 10 है तो उतने ही कदम वो आगे बढ़ेगा। तो अभी यहाँ माचिस का तीलियों का एक गट्ठा है, यानी एक दाई, और उसने अगली मखसूस 10 कदम की छलांग लगाया, तो यहाँ पर उसको मिले है माचिस की तीलियों के दो गट्ठे, यानी कितने हुए, दो दाई। फिर इसी तरह से इसने 10 कदम की और आगे छलांग लगाया, तो अब इसके पास हो गए माचिस की तीलियों के 3 गट्ठे, तो अब ये हो गया 3 दाई। अब 10 कदम और आगे बढ़कर एक छलांग लगाया, तो उसके पास पहले 3 थे और उसमें एक गट्ठा शामिल हो गया, तो अब 4 हो गए, ये हो गया 4 दाई 40। उसी तरह से उसने 10 कदम की और एक छलांग लगाया, तो अब पहुंचा वो ये 4 दाई और ये एक दाई, ये मिलकर हो गए 5 गट्ठे, और उसके वो हो गए 5 दाई। इसी तरह से आगे छलांग लगाया उसने, तो ये हो गया 6 दाई। उसके बाद आगे और छलांग लगाया, यहाँ पर माचिस की तीलियों के 7 गट्ठे हैं, तो ये हो गया 7 दाई। उसके बाद और आगे छलांग लगाया, यहाँ पर अब माचिस की तीलियों के 8 गट्ठे हैं, तो ये 8 दाई। इसके हर छलांग 10 कदम की होती है, यानी तय होती है, मखसूस होती है, कितनी होती है, तय और मखसूस। फिर उसके बाद और आगे छलांग लगाया, तो यहाँ पर उसके पास माचिस की तीलियों के हो गए पूरे 9 गट्ठे, यानी 9 दाई 90। तो बच्चों, उम्मीद है आप अच्छे से दाही के तस्वीर को समझ चुके होंगे।